नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। लंबे समय से खुले पड़े गंदे नाले व टूटी पड़ी सीवर लाइन के विरोध में डांडापुर क्षेत्रवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र की पार्षद अनीता गर्ग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गंदे नाले को जल्द ही बंद करने की मांग की। वहीं प्रदर्शन कर रहे डांडीपुर क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में यह नाला कांग्रेस सरकार के समय से है, जिसमें कि क्षेत्र के नाले के कुछ हिस्से तो बंद कर दिया गया, लेकिन यह नाला निरंतर खुला रहता है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को गंदगी के साथ साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गंदे नाले के साथ साथ सीवर लाइन भी टूटी पड़ी है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस नाले को लेकर उनके द्वारा कई बार लिखित रूप में भी शिकायती पत्र नगर निगम को दिया जा चुका है और पार्षद से भी इस बारे में बात की जा चुकी है, लेकिन पार्षद की ओर से इस मामले पर अब तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब भी इस मामले पर पार्षद से बात की जाती है तो उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता और पार्षद द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक क्षेत्र में इस नाले को बंद नहीं किया जाएगा, वह तब तक इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मैम, ऐसा है, हम लोग पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारे यहाँ मैडम ये है सीमा कश्यप जी, इसी वार्ड की हैं और ये साथी सब लोग यहाँ जो है गंदे नाले से बहुत परेशान हैं। और कुछ नालाएं बना दिया गया, कुछ विरोध के कारण छोड़ दिया गया, या क्या उनकी रणनीति रही होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन इस समय जो गंदगी, जब बारिश आती है तो घुटनों घुटनों से ऊपर पानी होता है, पैदल चलना या गाड़ी से चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से आज लोगों में ये जन आक्रोश इसलिए पैदा हो रहा है कि इससे राहत मिले और ये गंदा नाला बंद हो, और गंदे नाला बंद होने के बाद में लोगों को राहत की सांस लें और ये बंद होना चाहिए। पानी वाली गंदा भर जाता है, हमें भी दिक्कत होती है निकलने की, कैसे ले, कैसे सब्जी लेने भी जाते हैं, बाजार भी जाओ तो दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ गंदा बहुत है, बदबू आती है, हर चीज है यहाँ पर। मैम, आपने पार्षद को चुना था यहाँ की और वो जीत भी गई थी, उसके बाद यहाँ पर कार्य नहीं हो पाया? बेकार है वो एकदम के, बिल्कुल सुनती नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी मरूंगी यहाँ के। कोरोना काल में हमें उन्हें बुलाया नहीं, आई तो एक दिन आई यहाँ पर, मेरी बहुत लड़ाई हुई उनसे, तो कहती मुझे क्या मरना है यहाँ के, बताओ ऐसी पार्षद कौन रखेगा ऐसे। हम गंदगी में रहे, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं चुनेंगे। हमारे बच्चों को बहुत परेशानियाँ है यहाँ पर आने जाने में, हम मंडी जाते हैं सब्जी लेने, बहुत परेशानी होती है हमें, घूमने जाना पड़ता है, करना नहीं आता। एक आदमी लेके साथ में चलती है, वो करता है सारे काम, तो पार्षद किस बात की बनी है यहाँ पे, साइन तक करना नहीं आता उसे अपना। हाँ, जैसे नाला जो है इतना महकता है, इतना महकता है, इतना वो बदबू देता है कि आने जाने के लोग भी मतलब नाक बंद करने के बावजूद भी अंदर तक प्रवेश कर जाता है। तो कम से कम हम चाहते हैं कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा प्रशासन है, वो ध्यान दे कि नहीं साफ सफाई होनी चाहिए। केवल नारे लगाते रहते हैं कि सफाई हो रही है, सफाई हो, गंगा सफाई हो, और घर की सफाई हो भी ना करो, इस तरह से काम नहीं चलता है। केवल गंगा सफाई रखो और घर सफाई। नाले की बात कर रहे हैं, नाले की सफाई, लेकिन अभी देखा गया कुछ लोग उसी में कूड़ा डाल रहे हैं, तो इस तरह से क्या क्या ये सब भी डालते हैं, थोड़ी मना कर सकते हैं। हाँ, कूड़ा भी डाला जाता है, व्यवस्था नहीं है क्षेत्र में, कोई नहीं है, गाड़ी लगी होनी चाहिए कूड़े के लिए। लोगों को तो एक ऑफर है कि हाँ अपना जो गंदगी है वो लाइए और यहाँ डाल। नहीं, पार्षद को आपने चुना था, वोट दिया था, ठीक है, तो क्या आप उनको बोलते हैं इस बारे में? बोलते हैं कि 10-10 दफे जाएंगे तब जाके काम होते हैं। और अब ये जो नाले का काम है तो लंबे समय से पड़ा है, ये तो काफी लंबे से, उधर देखो बंद हो ही नहीं गया, कितना बढ़िया हो गया उधर, तो वो वाला बंद करते हैं, यहाँ वाला क्यों नहीं करा, क्या लगा? क्या पता यहाँ पे वाला क्यों नहीं किया बंद, यहाँ से सर किस तरीके की दिक्कत आ रही है सर? मैडम जी, लैट्रिन की बदबू, गंदा बदबू आती है, पानी की बदबू आती है, बच्चे बीमार होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गलियों चलते हैं, इसके तो पानी में घुसते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है हमारी, पानी खड़ी जाती है, इंजन हो जाते हैं, गाड़ी बैठ जाते हैं सब, कहाँ से हम पैसा पूरा करेंगे? गाड़ी नहीं निकलती है गाड़ी। मैम, इसमें तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा, अब से कुछ दिन पहले तो मेरे घर के अंदर पानी आ गया, इसमें वो भी ज़बरदस्ती क्या की ये कटवाया गया, तब जाके ये बंद, अभी बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी, काफ़ी लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, शिकायत परंतु कोई सुनवाई नहीं, बस झूठा आश्वासन दिया जाता है, आ रहे हैं आज होगा कल होगा, अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया। नगर निगम दिया, कई बार दे चुके हैं, पार्षद तो देखी नहीं हमने, बन सकती है सर। ये जो नाला है ना, काफी दिनों से दिक्कत दे रहा है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मांग करना चाहेंगे सर,
हाँ जैसा कहने का स्मार्ट सिटी का मतलब हर चीज़ सफाई होना चाहिए, नाला भी बंद हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इसके लिए। आप की शिकायत परंतु कोई सुनवाई नहीं, क्या कुछ कहा बस झूठा आश्वासन दिया जाता है, आ रहे हैं आज होगा कल होगा, अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया। नगर निगम दिया कई बार दे चुके हैं, पार्षद तो देखी नहीं हमने, विधायक राजकुमार थे उन्होंने कोशिश की थी कि बनाया जाए तो लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन होता तो बंद हो जाता ही अब तक। तो ये एकदम से उस टाइम इलेक्शन का टाइम था जब उन्होंने बनाना शुरू किया था, इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी आई है और उनका जो भी रहा होगा हमें नहीं पता क्या बात रही, कुछ ठेकेदार से कमीशन को लेकर बात हुई है किस तरह से इनकी मतलब कुछ अगर बनाने का नहीं इन्हें प्रॉफिट मिला तो इन्होंने तोड़ने में प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, तो जितना बनाया था वो काफ़ी 15-20 फीट तक वो बन गया था लेकिन फिर वो उन्होंने तोड़वाना शुरू कर दिया और दोबारा से बस ये जाल लगा के छोड़ दिए हैं, उसके बाद किसी ने नहीं सोचा कि हाँ इसे बनाया जाए। वैसे ये जो एक स्वस्थ जीवन है वो सभी का अधिकार है, आप अगर संविधान में भी देखें तो संविधान हमारे जीने का अधिकार जो देता है ये उसी से रिलेटेड है, अगर हमारे आसपास की हवा साफ नहीं होगी, हमें पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, हमारा वातावरण साफ नहीं होगा तो हम जो स्वस्थ जीवन है वो जी भी कैसे पाएंगे। तो यही हमारा इसी सोच के साथ हम यहाँ के लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि ये जो गंदा नाला है ये बंद करना चाहिए जो कि हमारी आबोहवा को बिल्कुल ख़राब कर रहा है, तो यही सोच के हमने आज का ये प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकते, एक हमारी मांग है कि जैसे बाकी इतने इन्होंने जहाँ भी मंत्री लोग रहते हैं जहाँ पार्षद विधायक रहते हैं उन्होंने अपने रहने का एरिया तो इतना साफ़ सुथरा इतना सुंदर बना लिया है और जो आम लोगों के वोटों से वो जीत के जाते हैं उन वोटर्स के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ देते हैं जीतने के बाद, जबकि उनका ये एक कर्तव्य है कि वो वापस आएँ जीतने के बाद और यहाँ की जो समस्याएँ हैं उन्हें दूर करने का एक कोशिश करें। कोशिश करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे की करते हैं, नालियाँ ढकी गई हैं, जिन जाल से नालियाँ ढकी गई हैं वो इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि हर एक महीने बाद वो टूटे जा रहे हैं, जो भी रोड बनाई है वो एक महीने बाद देख लिए वो रोड टूटी पड़ी है, तो क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहले तो करना नहीं चाहते काम, करते हैं तो बहुत वो निम्न स्तर का होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस गंदे नाले की वजह से यहाँ के आसपास के लोग इतने परेशान हैं, अभी अगले महीने से बारिशें शुरू हो जाएंगी, कोई यहाँ पे आके देखे तो यहाँ पैदल चलने का रास्ता तक नहीं बचता है, लोग दूसरी तरफ से घूम घूम के दूर दूर से पैदल घूम घूम के जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें उनकी परेशानी दुगनी बढ़ जाती है, और जो गंदे नाले का पानी है वो आसपास के घरों के अंदर इतना अंदर तक चला जाता है कि लोगों के अपने घर गंदगी में डूब जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए हम प्रशासन का और शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी कुछ हल निकाला जाए। वहीं जब इस पूरे मामले पर क्षेत्रीय पार्षद अनिता गर्ग से जनखबर ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक वहाँ के लोग नाले में कूड़ा डालना बंद नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा और नगर निगम जल्दी नाले में कूड़ा डालने वाले लोगों के चालान काटेगा। बंद करने की समस्या जब तक ये लोग नाले में कूड़ा डालना बंद नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। हमने दिवाली वाले दिन भी जेसीबी मंगवाई है, मैंने 3 दिन वहाँ पे जेसीबी आई है, इस चक्कर में वहाँ का पुस्ता भी जो मैंने अभी बनवाया था पार्षद बनने के बाद मैंने पुस्ता बनवाया है वो नया का नया पुस्ता तोड़ना पड़ा हम लोगों को। मैम वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि यहाँ का नाला एक तो बंद कर दिया गया तो ये वाला नाला क्यों बंद नहीं किया जा रहा जहाँ मांग रहे हैं? ये वाला नाला नहीं बंद होएगा, ये वाला नाला नहीं बंद हो सकता, ना बंद होएगा। हाँ मतलब हाँ। इसके पीछे उस टाइम पे कांग्रेस था तो उन्होंने कहा था, फिर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार है तो फिर उन्होंने क्योंकि कोरोना में कोरोना जो महामारी समय सरकार ने सारा पैसा कोरोना में राशन की किटें भी बांटी है, जो ये लोग हमें गलत इल्जाम इन लोगों ने लगाया है, सरकार ने राशन की किटें भी बांटी हैं, एक एक घर को राशन की किटें गई हैं, मैंने खुद अपने हाथों से दिया, हमारे विधायक जी ने हमारे मेयर साहब ने मुख्यमंत्री जी के द्वारा राशन की किटें भी बांटी हैं। और कूड़े की बातें रही, आप लोग नाले की समस्या लेके आए हैं मेरे पास, जब तक ये लोग नाले में कूड़ा डालना नहीं बंद करेंगे इस समस्या का कोई समाधान नहीं, नगर निगम इनका चालान काटने वाला है इन लोगों का। मैम चलिए नाला 15 दिन में हफ्ते में नाले की सफाई होती है नगर निगम द्वारा, और मैम वहाँ पे जो देखा गया सड़क पे लीकेज सीवर लाइन का पानी गंदा है काफी दिन से लीकेज, अभी नई सीवर लाइन डली है, मैं नहीं मान सकती ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे अभी ट्रक चला है उससे वो टूट चुकी है। मैम ट्रक की तो इतनी बड़ी सड़क है, ट्रक कैसे चलता है वहाँ पर, ट्रक किस चीज़? मैंने भी मना करा, हमने पुलिस में भी इस बात की वो करी थी, हमने कंप्लेंट करी थी, चलता है वहाँ पर ट्रक। किस चीज के ट्रक जाते हैं मैम? किसी भी चीज के लोडिंग ट्रक चलते हैं यहाँ पर।
अच्छा, कहते हैं तो लड़ने को आते हैं हमसे। अच्छा तो फिर मैम साफ तौर पे ये कहना है कि वहाँ पे कुछ ऐसा काम होगा नहीं, अभी वहाँ पे कोई काम नहीं, नाला तो ढका नहीं जाएगा। हाँ। नाले की मैं अब क्यों झूठ आश्वासन दूँ, नाला नहीं ढका जाएगा। लीकेज का करवा देंगे, लीकेज का मैं करवा दूंगी इसको। ठीक है, लेकिन आप लोग इनसे बोलिए नाले में कूड़ा डालना बंद करें। पहले नगर निगम इनका चालान काटने वाला है, मैं खुद इस समस्या को लेकर जा रही हूँ मेयर साहब के, कल जाऊंगी अब, क्योंकि मेयर साहब खुद